हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बड़ी भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ आपके दिमाग में ये चीज़ें भी आ रही होंगी कि दूसरी सबसे चहेती भर्ती जो लेखपाल की भर्ती है, जिसको लोग दिलो जान से प्यार करते हैं और पाने के लिए दिन रात पढ़ते हैं, वो कब आएगी। इस बात का इस सवाल का जवाब सबको चाहिए। साथ में एक दो इम्पोर्टेंट आपको जानकारी देनी है, इन जानकारी को आपके साथ साझा करना है। कल थोड़ा देर रात आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आउट हो गया है, ठीक है। रिवाइज्ड आंसर की आउट हो गया है। यदि अभी तक आपको ये जानकारी नहीं मिली थी या आपने वो नहीं देखी है तो आपको मैं टेलीग्राम में वो दे दूंगा, पूरा का पूरा पीडीएफ आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ में आज हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। अब पैट के रिजल्ट में ज़्यादा दिन नहीं है तो आपके मन में संभावनाएं बननी शुरू हो गई होंगी कि पैट का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और जब पैट का रिजल्ट आ जाएगा तो लेखपाल के जो 7800 प्लस पद हैं, लेखपाल के जो 7800 प्लस पद हैं, इनकी विज्ञापन, इनका विज्ञापन एडवर्टीजमेंट कब तक आ जाएगा, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। तो आपको मैं एक बात बता देता हूं कि चुनावी वर्ष अब चल रहा है, चुनाव से पहले वाला, और सरकार अब प्रतिबद्ध लग रही है, काम लगी हुई है, हर विभाग में भर्तियां निकाल रही है, उधर टेट में भी काम चल रहा है, पुलिस में भी काम चल रहा है, और यूपी ट्रिपल एससी भी अपने एक्शन मोड में है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रिजल्ट है, छोटी सी वीडियो है, 3-4 मिनट की रखेंगे, फालतू रखना नहीं है, राम जी पाठशाला कभी टाइम वेस्ट नहीं करता, इसलिए शांति से धैर्यपूर्वक देख लीजिए। जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के अब कब तक आने के चांसेस हैं, तो आपको बताया गया था इंटरव्यू के माध्यम से कि सितंबर के एंड तक आपका रिजल्ट दे देंगे, पर आपको पता है कि लगभग 17 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया था, तो और ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो ओएमआर को चेक करना एक अच्छी बड़ी चुनौती होती है। तो उन्होंने लक्ष्य रखा था कि भाई हम आपका एक लाख कॉपी डेली चेक कर लेंगे, बट उसके बाद क्या हुआ होगा अब वो आयोग जाने कि उन्होंने मतलब इतना डिले क्यों कर दिया, कैसे कर दिया है, बट फिर भी आपको एक अनुमान लगा लेना चाहिए कि अगर आंसर की आ गई है, जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है तो फिर रिजल्ट आने में ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, और ऐसा पूरा अनुमान है कि आपका रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आ सकता है, ठीक है। 15 अक्टूबर मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए, 15-16 हो जाए, पर 15 तो आप मान के चलिए 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। साथ में लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि यही एकदम बड़ी प्रक्रिया है, और ये प्री था, पैट प्री था, मेंस क्या है, लेखपाल है, तो लेखपाल की भर्ती आपकी निकलेगी, लेखपाल की भर्ती की प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा। साथ में कब तक इसके आने जाने के चांसेस हैं, तो अक्टूबर एंड में और नवंबर के स्टार्ट में ये भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो जी जान लगा के आप लोग तैयार कर लीजिए। साथ में आपको एक बात बता देता हूँ, राम जी की पाठशाला निशुल्क आपको तैयारी कराता है, जितना राम जी की पाठशाला करवा पाता है, जितने संसाधनों में है करवा पाता है, उतनी आपके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जब आप कक्षाएं देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल, और अभी क्योंकि यूपीएसआई की परीक्षा बिल्कुल सामने खड़ी हुई है तो हम हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हिंदी की प्रैक्टिस आपको भी जरूर करनी है, जिससे आप 25 में से 25 क्वेश्चन आप कर पाएं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएं। उसमें हिंदी शब्दावली भी चल रही है और हिंदी व्याकरण भी चल रही है, मैं गारंटी देता हूं आपको आपके टोटल क्वेश्चन वहां से फंस जाएंगे अगर आप धैर्य से अच्छे से वहां से पढ़ेंगे। साथ में आपको ग्राम विकास पढ़ना है, तो ग्राम विकास के लिए घंटे घंटों की कक्षाएं नहीं लेना है आपको, केवल एक छोटा सब्जेक्ट है, आपको जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा उस दिन से आपकी ग्राम विकास की छोटी छोटी कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएंगी, 15-15, 20-20 मिनट की, और आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाएगा। ग्राम विकास कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो राम जी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन यदि यूट्यूब से नहीं मिलता है तो वहां से मिल जाएगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज, जय हिंद जय भारत।